हेलो हेलो एवरीवन, मैं रहना फ्रॉम लखनऊ और फिर से मैं आप लोग के साथ अपनी एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ और आई होप सो कि आप लोग को पसंद आएगी। और आज की मेरी रेसिपी है हंग कर चिक पी सैंडविच। सैंडविच तो आप लोग बहुत खाते हैं पर चिक पी सैंडविच बहुत कम लोग खाते हैं, पर मेरे को लगता है आप लोग खाओगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा, एक बार आप लोग ट्राई जरूर करना। चलिए लेट स्टार्ट। सबसे पहले इसके लिए तो मैं गैस ऑन करके इसके ऊपर थोड़ा बटर डाल के ब्रेड सेक लूंगी। और आप चाहे व्हाइट ब्रेड लो चाहे ब्राउन ब्रेड लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं व्हाइट ब्रेड ब्राउन ब्रेड लूंगी क्योंकि अब हेल्दी बना रहे हैं तो इसको हम पूरा ही हेल्दी बनाते हैं। और अब इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो आप देख लो एक बार। इसमें सबसे पहले मेन इनका जो है काबुली चना, व्हाइट चना, व्हाइट छोले जिसको कहते हैं, सबसे पहले इसमें ये जाएगा। फिर इसमें हंकर जाएगा, अमूल का। मैंने अमूल के दही को छन्नी में बांध के 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था, 2-3 घंटे के लिए, तो ये हंकंड हो गया है। साथ में इसमें जाएगा कुकुम्बर, अनियन एंड हरा धनिया। सबसे पहले मैं काबुली चने को एक बाउल में डालूंगी और डाल के इसको अच्छे से मैश करना है। आप चाहे फोक से कर लो चाहे आप मैशर से कर लो, जिससे भी आप इजीली कर सकते हो आराम से। इसको बिल्कुल बारीक बारीक बिल्कुल अच्छे से मैश करना है कि इसमें कोई चना खड़ा दिखे ना। अब इसमें जाएगा खूब सारा हंकट। और 1 अनियन है, इसको बारीक बारीक मैंने क्रश कर लिया। कुकुम्बर, हरा धनिया, साल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले लो, कम ज़्यादा, क्योंकि दही भी थोड़ा खट्टा है तो थोड़ा इसमें नमक कम ही रखना आप। और ब्लैक पेपर, इन सबको अच्छे से मैश कर लीजिए। ये बहुत इजी रेसिपी है और ये एक रिच प्रोटीन है पूरा। इसके अंदर दही है, मतलब पूरा कंप्लीट मील समझ लो आप प्रोटीन का। इसमें काबुली चना है, कुकुम्बर है, हंकड़ है। इसका अच्छा सा बेस तैयार हो गया इसकी स्टफिंग। ब्रेड को चाहे आप टोस्ट करके भी वो कर सकते हो, सिंपल। अगर आपको ऑयल वगैरह या घी नहीं लगाना है तो आप बिना बटर के भी कर सकते हो टोस्ट।
तवे पे बस सिम पे छोड़ दो, हल्के हल्के हाथ से होता रहेगा। वैसे तो इसमें लोटस लीफ लगाते हो, लेटस लीफ लगती है, पर आज वो मिली नहीं मुझे, तो मैं इसके ऊपर सबसे पहले ग्रीन चटनी लगाऊंगी। ये मेरी कड़ी पत्ते की ग्रीन चटनी है, अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए इस पे। जाएगी टमाटो की स्लाइसेस, इसमें भी ग्रीन चटनी लगा के अच्छे से, या बच्चों को खिलाओगे, बच्चों को जैसे खाना खाने में आजकल बच्चे गर्मी बहुत है, खाना नहीं खाना पसंद करते, रोटी नहीं खानी है, तो फिर आप बच्चों को ये भी बना के दे सकते हो। और बच्चों को मेक श्योर कि बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये, और वे आपसे फिर कहेंगे कि फिर बनाइए। और एक तरह से ये हेल्प पूरा एक कम्प्लीट मील हो जाएगा, और आपको भी टेंशन नहीं रहेगी कि बच्चों ने रोटी खाई नहीं खाई, चलो बच्चों ने ब्राउन ब्रेड खा ली है, साथ में बच्चों ने सैंडविच खा लिया, इसके अंदर सब कुछ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर इसको आप चाहो तो इसको आप कोल्ड सैंडविच भी बना सकते हो। इसको आप फ्रिज में थोड़ी देर के लिए सबको मटेरियल को बना के रख दो, पूरी स्टफिंग बना के रख दो, उसके बाद आप ब्रेड सेक के उस पर सिंपल ब्रेड टोस्ट करके भी लगाओ, ठंडा ठंडा भी बहुत टेस्टी लगता है ये, सब कुछ ठंडा हो जाता है। अब इस पे चाहो को से बटर भी डालना, चाहो मयो वगैरह कुछ भी डाल सकते हो, हल्का सा इसको सेक देती हूँ। इसमें दही की खटास भी है, खट्टा हल्का सा टैंकीपन भी है, और बहुत टेस्टी लगता है ये, एक बार आप ट्राई करना, मेक श्योर आप सबको बहुत पसंद आएगा। और सबसे पहले दीपा मैम को भी इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, वो हम लोगों को इतना अच्छा मौका देती हैं बार बार आने का। थैंक यू दीपा मैम, अमूल थैंक यू, आपकी वजह से हम लोग सब इस पे बार बार आते हैं और अपना दिखाते हैं, अपनी रेसिपी शो ऑफ करते हैं। थैंक यू, आप लोग खाइए और ट्राई कीजिए, और आपको अच्छी लगे तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा एक बार।